देखिए, ये आज़ादारी और फ़र्श अदा बिछाना, ये चीज़ें जो अहकाम फ़िक़ी हैं उनकी निगाह में ये फ़राइज़ और वाजिबात में नहीं है, ये मुस्तहबात में है। जिसका जितना कल्बी ताल्लुक़ होगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, उतना ही उसकी ज़िंदगी में उसका इजहार होगा। तो ज़रूरी नहीं कि जगह बड़ा मजमा हो, कहीं हो सकता है सिर्फ़ एक ही फैमिली हो, एक ही घर हो। मजलिस हमें आज़ादारी करना है जो उस वक्त के हालात का तकाज़ा हो और जो मेरे इम्कान में हो। मजलिसें दो तरह की होती हैं, एक मरकज़ में, इमामबाड़े में, हुसैनिये में। उन मजालिस को तो बरकरार रहना ही चाहिए, वो मरकज़ी हैं, उसमें सब शामिल हों। लेकिन हत्तल इम्कान हर आज़ादार को, मैंने एक लंबी उम्र अल्लाह ने अता की, 60 साल से ऊपर उम्र हो गई, जो तजुर्बा किया, मैं पहले अपनी कौम से कहता था कि जब किसी मरकज़ और इमामबाड़े में मजलिस कायम हो जाए तो अब घर घर मजलिस न कीजिए, ताकि मरकज़ी मजलिस में सब लोग शामिल हों और उसके ज़रिए पैगाम पहुँचे। इसलिए कि जो मरकज़ी मजलिस होती है उसमें अहतमाम होता है ख़तीब और ज़ाकिर का, बेहतर से बेहतर लाने का, और घरों में उतना अहतमाम नहीं हो पाता। कभी किताब से देख के मजलिस पढ़ गई दी गई, कभी मकामी किसी ने जो हर साल पढ़ते हैं वही फिर पढ़ के सुना दिए, सब होता है। तो हम कहते थे घर में न करें, सिर्फ मरकज़ में करें। लेकिन मैंने फिर बाद में ये सीखा कि नहीं, हत्तल इम्कान हमको मरकज़ की मजलिस में शिरकत के साथ साथ घर पर मुहर्रम में, मुहर्रम से हट के भी, किसी मिलादत के मौके पर, किसी शहादत के मौके पर घर में मजहबी प्रोग्राम ज़रूर रखना चाहिए। इसलिए कि जब आदमी मरकज़ में, इमामबाड़े में जाता है शिरकत के लिए तो मेहमान बन के जाता है, लेकिन जब घर में वो प्रोग्राम करता है तो मेज़बान हो जाता है। और बहुत सी चीज़ें, यही फ़र्श अज़ा का घर में बिछाना या जश्न मुनक़िद करना, इस तरह की चीज़ें करने से बच्चों की तरबियत होती है। तजुर्बे की बुनियाद पर राय यही है, गुजारिश यही है कि आपके घर पर भी उनका जिक्र, अहले बैत का जिक्र और इबादत के मुसल्ले के साथ फ़र्श अज़ा को बिछना चाहिए। जितना मुमकिन हो हमसे उतना करना चाहिए, लेकिन ये ख्याल रहे कि इन दोनों चीज़ों में तवाज़ुन हो। मेरे घर की मजलिस या प्रोग्राम उस मरकज़ से हरगिज़ न टकराए कि जिसमें सबके शिरकत का एहतमाम किया गया है।